अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लेट्स प्रिपेयर आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो के लिए गए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एफ आई ए और इंस्पेक्टर एफ आई ए के पास पेपर से और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि कोई भी टेस्ट हो पास पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तो लेट्स बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन नेम नॉन अलाइन मूवमेंट कॉन्फ्रेंस वॉज डचेस ऑफ कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज इज वाइफ ऑफ केट मिडिलटन जो के कैम्ब्रिज uh, की डचेस है ये इनकी वाइफ है तो ये प्रिंस विलियम की वाइफ है नेक्स्ट वन दी सिनाई पेनस्यूला इज लोकेटेड इन सिनाई कहाँ पे है तो सिनाई पेनस्यूला इजिप्ट में है द ऑफ़ अफ्रीकन यूनियन इज लोकेटेड इन अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो अफ्रीकन यूनियन का हेड क्वार्टर एडिस हबाबा इथियोपिया में है नेक्स्ट वन वेयर इज दैडक्वाटर ऑफ एट इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेट इन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वाटर कहाँ पर है तो इसका हेडक्वाटर वियाना ऑस्ट्रिया में है नेक्स्ट वन हमास वास फाउंडेड इन नाइनटीन एटी सेवन बाई हमास जो कि बनी थी नाइनटीन एटी सेवन में ये किसने बनाई थी तो ये शेख अहमद यासिन ने बनाई थी इन दू एस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन वेयर इज दर्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन होती है जो लार्जेस्ट नंबर का इलेक्ट्रल कॉलेज है वो कहाँ का है तो ये कैलिफोर्निया का है देमस बुक ईस्ट ऑफ एडन इज द वर्क ऑफ फेमस बुक जो ईस्ट ऑफ एडन है ये किस का लिखा हुआ है तो ये जॉन स्टेनबेग का लिखा हुआ है टेगल इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ टेगल जो है ये किस मुल्क का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो ये जर्मनी का एयरपोर्ट है वु सी इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया कौन सा सी है जो कि सेंट्रल एशिया में है तो ये एर एल सी है द्वेथलिंग कप इज रिलेटेड टू द गेम ऑफ स्वेथलिंग कप जो है ये किस गेम से रिलेटेड करता है तो ये टेबल टेनिस से रिलेट करता है व्हील इज द दल ऑफ व्हील किस चीज का सैंबल है तो व्हील प्रोग्रेस का सैंबल है मेपल ऑफ ली, मेपल लीफ इज द नेशनल एम्बलेम ऑफ मेपल लीफ जो है ये किस का नेशनल एम्बलेम है तो ये कैनेडा का नेशनल एम्बलेम है द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट वॉज फराइजी मूवमेंट का फाउंडर कौन था तो फराइजी मूवमेंट का फाउंडर हाजी शरीयतुल्लाह था Who was inspired by the T2 Mir in Makkah uh, with the doctrine of independence? टी मीर से मक्का में कौन इंस्पायर हुआ था उनके जो इंडिपेंडेंस का नजरिया था उससे तो ये सैयद अहमद शाह थे वो हैन विलियम बेंटिक सेंट आर्मी टू बेंगाल टू क्रश टी मीर विलियम पेंटिंग ने अपनी जो आर्मी बंगाल कब भेजी थी टी टू मीर को क्रैश करने के लिए तो इन्होंने 1830 को आर्मी बैग भेजी थी बंगाल में सॉरी द इनका सिविलाइजेशन इन इनका जो सिविलाइजेशन है ये कहाँ हुई थी ये कहा फ्लोरिश हुई थी ये, ये, ये साउथ अमेरिका में हुई थी काबा इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ काबा जो है ये किस वैली में है तो ये बाथा वैली में है ट्रीटी ऑफ उदेबिया वर्कुलदेबिया कब हुई थी तो ये छ सौ अट्ठाइस एडी को हुई थी और हिजरी को हजरत उमर वाज असेसिनेटेड इन हजरत उमर को कब असेसिनेट किया गया था तो इसको 644 एंड को असेसिनेट किया गया था ड्यूरिंग गवर्नर ऑफ हजरत, उस्मान, हजरत, अमीर हजरत उस्मान के वक्त में हजरत जो अमीर थे, ये किस का, का गवर्नर थे तो ये सीरिया का गवर्नर था इन ह्यूमन बॉडी फ्लेट बोन्स आर फाउंड इन इंसान की बॉडी में आ, जो फ्लेड बोन्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं तो ये चेस्ट और स्कल में पाए जाते हैं वाट एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए कौन सा एलिमेंट जो होता है जरूरी होता है बेकार होता है तो ये सिलिकॉन है पोलियो वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय पोलियो वैक्सीन किसने ईजाद की थी तो ये जोनस सलग ने ईजाद की थी Which vitamin is provided by इज प्रोवाइडेड the body? Uh, सूरज की रोशनी से बॉडी को कौन सी विटामिन मिलती है तो ये विटामिन डी है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का फादर किसको माना जाता है तो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का फादर निकोलस कोपरनिकस को माना जाता है सेल्स ऑफ nerve टिश्यूज आर कॉल्ड as जो नर्व डिश्यूज के सेल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है तो उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है रेस्पायर्स अबाउट टाइम्स इन मिनट। एक जो इंसान होता है ये आ, कितनी दफा मिनट में रेस्पायर करता है तो ये 16 से 20 दफा रेस्पायर करता है एक मिनट में ब्रोन किड्स इज द डिजीज ऑफ ब्रोन किटिस uh, जो डिजीज है ये किस चीज़ की डिजीज है तो ये रेस्पायरेटरी केविटी की डिजीज है जब नबी अक्रम सलम मदीना माइग्रेट कर रहे थे तो उनके साथ किसने कंपनी दी थी तो ये हजरत अबूबकर ने कंपनी दी थी वाट इज दुट दी होली माइग्रेशन टू मदीना उस कैमल का नाम क्या है जो कि जिसपे सवाल थे नबी अक्रम सलम जब वह माइग्रेट कर रहे थे मदीना तो ये उसका नाम कस्बा है वो हैं इस्लाम हजरत हमजा रज ने इस्लाम कबूल किया कब क, कब किया था तो इन्होंने पांच नबी नबी में इस्लाम कबूल किया था साहेब अल बरीद मीन्स अल बरीद का क्या मतलब है तो साहेब अल बरीद का मतलब है पोस्ट मास, मास्टर जर्नल थैंक सो तो मच आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच वालेकुम